आज हम जिस डेस्टिनेशन के बारे में आपको बताएंगे वो उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, लैंसडाउन। हालांकि बहुत क्राउडेड हिल स्टेशन ये नहीं है, इसलिए यहाँ काफ़ी खूबसूरती है और काफ़ी साफ सुथरा भी है। और लोग यहाँ आना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ इंजॉय करते हैं, यहाँ का पीसफुल इन्वायरमेंट और यहाँ की सीनिक ब्यूटी बहुत ही अच्छी है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, हम आपको बताएंगे कि यहाँ पहुँचा कैसे जाए, यहाँ खाने की क्या क्या अवेलेबिलिटी है और यहाँ का बेस्ट टाइम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि यहाँ पहुँचा कैसे जाए। यहाँ पहुँचने के तीन ऑप्शंस हैं, बाय एयर, बाय रोड, बाय ट्रेन। बट हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप बाय ट्रेन या बाय रोड से ही आए, बिकॉज जो एयरपोर्ट है ये लैंसडाउन से काफ़ी दूर है। हालांकि हम आपको ऑप्शन ज़रूर बताएंगे। यहाँ का एयरपोर्ट है जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट, जो कि देहरादून में है, और ये लैंसडाउन से अप्रॉक्सीमेटली 83 किलोमीटर दूर है। हालांकि एयरपोर्ट से आपको लोकल बसेस और कैब्स मिल जाएंगे। अगर आप बाय ट्रेन जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कोटद्वार रेलवे स्टेशन, ये लैंसडाउन से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ के रेलवे स्टेशन से भी आपको लोकल बसेस और कैब्स मिल जाएंगे। और अगर आपको बाय रोड जाना है तो काफ़ी लोकल बसेस के ऑप्शन हैं दिल्ली से भी और दूसरी सिटीज से भी। अगर आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलती है लैंसडाउन के लिए तो आप अपनी जर्नी ब्रेक कर सकते हैं, आप बस ले सकते हैं कोटद्वार के लिए और आगे आप लैंसडाउन के लिए दूसरी बस ले सकते हैं। अगर आपको दिल्ली से जाना है तो आप ये मैप फॉलो करके अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं कि आप विद इन सिटी कैसे कम्यूट करें। अगर आप अपनी गाड़ी से आए हैं तो आप अपनी गाड़ी से ही ट्रैवल कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ प्राइवेट कैब भी बुक करा सकते हैं विद इन सिटी कम्यूट करने के लिए। और हाँ, अगर आपको जंगल सफारी करना पसंद है तो यहाँ छोटे मोटे ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, जो जंगल सफारी अरेंज करते हैं विद इन द फॉरेस्ट। यहाँ आपको हिमालयन वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेंगे और आप यहाँ फॉरेस्ट का बेहतरीन व्यू देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं होटल्स की। यहाँ होटल्स के बहुत सारे ऑप्शंस तो नहीं हैं, पर आपको फिर भी 1500 से लेकर 18000 तक में रूम्स मिल जाएंगे। आपको एक टिप देते हैं, अगर आप मार्केट से थोड़ा और आउटस्कर्ट्स में जा सकते हैं तो 7 से 8 किलोमीटर दूर आपको एक जगह मिलेगी, जेरी खान। यहाँ आपको सस्ते होटल मिल जाएंगे विद सीनिक ब्यूटी, आपको बहुत अच्छे व्यूज भी मिलेंगे उन होटल्स से देखने को। अब हम आपको बताएंगे क्या क्या जगहें आप विजिट कर सकते हैं लैंसडाउन में। हालांकि बहुत सारी जगह यहाँ नहीं है, बट अगर आप फैमिली के साथ आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं, तो आप जा सकते हैं हमारी पहली डेस्टिनेशन जो है भुल्ला लेक। बहुत ही प्यारा लेक है ये, यहाँ पर आप पिकनिक कर सकते हैं, बच्चों के लिए काफ़ी छोटी छोटी राइड्स है जहाँ बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। और ये काफ़ी साफ सुथरी जगह है क्योंकि यहाँ की मेंटेनेंस इंडियन आर्मी करती है। यहाँ बोटिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो अगर आप फैमिली के साथ आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं, तो यहाँ आप अपना एक दिन आराम से निकाल सकते हैं। हमारी दूसरी डेस्टिनेशन है टिप एंड टॉप, इसे टिप एंड टॉप भी कहा जाता है। ये लैंसडाउन सिटी से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे शिवालिक रेंज और बहुत ही खूबसूरत लैंसडाउन का पैनोरामिक व्यू। अगर आपको पीस पसंद है, कामनेस पसंद है, तो यहाँ आप ज़रूर आए। यहाँ का सीनिक ब्यूटी इतना खूबसूरत है, आप यहाँ फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट स्काईलाइन ऑफ गढ़वाल हिल्स विथ मैजेस्टिक हिमालयन रेंज। हमारी तीसरी डेस्टिनेशन है तारकेश्वर टेम्पल। तारकेश्वर महादेव टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ये काफ़ी पुराना मंदिर है और माना जाता है कि यहाँ लोगों की इच्छाएं पूरी होती है। यहाँ आपको आसपास देखने को मिलेंगे ओक ट्रीज और ब्लू पाइन फॉरेस्ट।
और हाँ, आपको ये बता दे कि यहाँ महाशिवरात्रि बहुत ही धार्मिक तरीके से मनाई जाती है। हमारी अगली डेस्टिनेशन है भीम पकौड़ा। इसके लिए आपको लगभग 2 किलोमीटर डाउनहिल जाना पड़ेगा। रास्ता यहाँ का ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप सावधानी से जाएं। हालांकि यहाँ देखने को बहुत कुछ नहीं है, यहाँ बड़े बड़े दो पत्थर हैं जिनको दो उंगलियों से हिलाया तो जा सकता है मगर गिराया कभी नहीं जा सकता, ऐसा माना जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं यहाँ का बेस्ट टाइम क्या है। हालांकि आप थ्रू आउट द ईयर यहाँ विजिट कर सकते हैं, पर में से कई जने पूछते हैं कि हम इस जगह जाएं, किस मौसम में जाएं, किस वेदर में जाएं। इसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है, उसमें आपको एक एवरेज वेदर यहाँ का पता चल जाएगा। प्लीज चेक आउट द लिस्ट। अगर खाने की बात करें तो यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स तो नहीं हैं, पर जितने भी रेस्टोरेंट्स यहाँ अवेलेबल हैं वहाँ आपको वैरायटीज ऑफ फूड ज़रूर मिलेगा। यहाँ आपको इंडियन, तिब्बतियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल हर तरीके का खाना मिलेगा। और हाँ, हम आपको ये बता दें कि अगर आपको गढ़वाली डिशेज ट्राई करनी है तो आप यहाँ पर ज़रूर ट्राई करें। तो आप लैंसडाउन ज़रूर जाएँ और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अगर और भी डेस्टिनेशंस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। हम आपको ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस दिखाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे विद अस।